हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और मैदानी राज्यों के मुकाबले ये राज्य भौगोलिक दृष्टि से भिन्न है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें सड़क दुर्घटनाओं के कारण होती हैं और अभी हाल ही में कुल्लू जिले के बंजार क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा घटित हुआ है, जिसमें कई जिंदगियां मौत का शिकार हो गई। इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। वहीं मंडी जिला पुलिस विभाग के द्वारा भी ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती बरती जा रही है और नेशनल हाईवे पर बसों और वाहनों की नियमित चेकिंग की जा रही है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और मैदानी राज्यों के मुकाबले ये राज्य भौगोलिक दृष्टि से भिन्न है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें सड़क दुर्घटनाओं के कारण होती हैं और अभी हाल ही में कुल्लू जिले के बंजार क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा घटित हुआ है, जिसमें कई जिंदगियां मौत का शिकार हो गई। इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। प्रदेश सरकार और विभाग के द्वारा घटना की जांच के लिए जांच समिति का गठन किया गया है, ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। वहीं इस सड़क हादसे के बाद मंडी जिला पुलिस विभाग के द्वारा भी ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती बरती जा रही है और नेशनल हाईवे पर बसों और वाहनों की नियमित चेकिंग की जा रही है, ताकि वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का सही तरीके से पालन कर सके। मंडी जिला पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा ने बताया कि जिला के सभी थाना प्रभारी सुपरवाइजर ऑफिसर हैं, उन सबको निर्देश जारी किए गए हैं कि वे नियमित रूप से सड़कों से गुजरने वाले वाहनों की ओवरलोडिंग चेकिंग करते रहें और ओवरलोडिंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। मंडी जिला पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा का कहना है कि सड़क हादसे के बाद मंडी जिला पुलिस के द्वारा बसों के नियमित रूप से चेकिंग की जा रही है और ओवरलोडिंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, ताकि प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। हमारे जो सभी जो SHOs हैं और सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, उनको डायरेक्शंस दी गई हैं कि जो ओवरलोडिंग है बसेस में खास करके, उनको चेक करें और रूटीन में रेगुलरली उनको चेक करें, और यदि ओवरलोडिंग पाई जाती है तो नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और ये रेगुलर इसको हम चेकिंग करते रहेंगे। उनको डायरेक्शन भी दी गई है, ऐसा नहीं है कि अभी करेंगे, और रेगुलरली ये चेकिंग होती रहेगी और उसमें के जो वायलेशन करेगा उनके चलान्स भी किए जाएंगे।